गॉड, मुझे मेडल मिलना चाहिए आपको ढूंढ निकालने के लिए. मैं अंदर आ सकती? मुझे कुछ खरीदना नहीं है, सॉरी. नहीं, मैं कुछ बेच नहीं रही. थैंक यू. शोभा, एनजीओ चलाती हूँ, प्रयास. हम लोग जेल के कैदियों की रिहैबिलिटेशन करने का काम करते हैं. एक्चुअली मैं यहाँ लैक की वजह से आई हूँ. लैक डोंगेकर, स्टमक कैंसर है उसे. मैक्सिमम 1 साल बचा है उसके पास. अच्छा, उसे मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहा किया जा सकता है. ट्रीटमेंट ले सकता है वो. अपनी बची हुई जिंदगी इज्जत से जी सकता है. अगर तुम उसे माफी ना दे दो तो. दर्द हो रहा है उसे? Excuse me? दर्द, पेन अभी तो नहीं, लेकिन कीमो शुरू हो गया है. 15 साल पहले उसे चौराहे पे लटका देना चाहिए था, पर ये भी ठीक है, धीरे धीरे मरेगा. एक्चुअली अब यहाँ तक आई मुझे न्यूज़ देने के लिए, सो थैंक यू मिस शोभा. शोभा, आई फील लाइक सेलिब्रेटिंग टुडे. शायद मैं चाइनीज मंगाऊँ. राघव लाइक पिछले 15 साल से जेल के अंदर है, बीमार है, मर रहा है, और वो चाहता है जेल के बाहर मरे, अपने घर में, अपनी माँ के पास. और उसकी आखिरी रिक्वेस्ट सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो. सो प्लीज़ माफ़ कर दो उसे. आपके बच्चे हैं मिस शोभा? एक बेटी है, नताशा, 4th स्टैंडर्ड में है. अगर लायक जैसा कोई आदमी आपकी नताशा को उठा ले, मार दे उसे, और आपको उसका मुर्दा शरीर किसी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में देखना पड़े, चीर फाड़ के रखा हुआ, आप माफ कर देंगी उस आदमी को क्योंकि 15 साल गुजर गए? मैं नहीं चाहती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जेल में रहकर लोग बदल जाते हैं. एक बार मिल लो उससे, खुद देख लो और फिर डिसाइड कर लो. मैं उसकी रिपोर्ट्स लाई हूँ. आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल दीस थिंग्स. गुड नाइट. कार्ड रखा, अगर डिसीजन बदले तो फोन कर दे. आगे ओवरब्रिज पर ध्यान से जाइएगा, बारिश का मौसम है, धुंध जम जाती है. तुम लाइक की मदद करो या ना करो, उससे तो 1 साल में रिहाई मिल ही जाएगी. ये भगवान का फैसला है. लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे इस घर में तुम्हारी पत्नी और बच्ची की तस्वीर तक नहीं है. तुम तो खुद अपनी जेल में कैद हो.